गाइस पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का वहां के लोगों ने सर्कस बनाकर रख दिया है, और सर्कस कैसे बनाया है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अरशद नदीम को देखकर एक बात तो यही पता चलती है कि गाइस कभी भी आपको अगर लोगों की मदद की जरूरत होगी तो कोई भी आपके काम नहीं आएगा, ना तो कोई गवर्नमेंट काम आएगी, ना कोई बिजनेसमैन काम आएगा, और ना ही कोई आदमी काम आएगा। हाँ, हालांकि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हो, अगर आप कामयाब हो जाते हो, तो यही लोग आपके आगे पीछे आपको घूमते हुए दिखेंगे, जो कि इस वक्त नदीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जहां आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान की पीएम शहबाज शरीफ ने उन्हें गिफ्ट में 1.5 करोड़ रुपए दिया है, और पाकिस्तान की पंजाब गवर्नमेंट ने उन्हें 30 लाख और सिंध गवर्नमेंट ने उन्हें 20 लाख रुपए भी दिए हैं। और साथ ही साथ टोयोटा कंपनी जो है उन्होंने एक ब्रांड न्यू कार इन्हें गिफ्ट करी, और गिफ्ट में इन्हें भैंसा और साथ ही साथ उन्हें एक ऑल्टो कार भी मिली है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो उन्हें गिफ्ट में और भी बहुत कुछ मिला है। लेकिन अब वहां के लोगों ने अरशद नदीम का मजाक बनाकर रख दिया है, और जब से वो गोल्ड मेडल जीते हैं अपने देश पाकिस्तान के लिए, तब से लोग उनके पास आते हैं और 1,000-2,000 रुपए देते हुए उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, और फोटो को खींच कर वो लोग सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं। जो ये महाशय भी ऐसा ही कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जैसे मैं पैसे दे रहा हूँ ऐसे ही लोगों को भी पैसे देने चाहिए। हाँ, भले ही आपको ये एक नॉर्मल सी बात लगी हो, लेकिन थोड़ा सोचे कि अगर नदीम की सच में फाइनेंशियली हेल्प करनी है तो ये हेल्प ऑफ कैमरा भी हो सकती है, लेकिन इस तरह से उन्हें जलील करना कहां तक ये सही रहेगा? अगर लोग नदीम के सच में फैन है तो वो नॉर्मल फोटो ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से बेइज्जती एक गोल्ड मेडल विनर की और क्या ही होगी। तो गाइस इस पर आपका क्या कहना है, आपका ओपिनियन क्या है, प्लीज कमेंट में जरूर बताना।